2013 के इख्तियारात में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो था वो मेयर के मातहत नहीं था, उसके चेयरमैन मेयर नहीं था। इसी तरह सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो इन्होंने अथॉरिटी बनाई उसमें मेयर का कोई रोल नहीं था। हमने इस पर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस की और बिल आखिर हमने ये बात मनवा ली कि अब जो है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का जो चेयरमैन होगा वो मुंतखब मेयर होगा। और इसी तरह जो कराची रीजन का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का चेयरमैन होगा वो भी जो है वो कराची का मेयर होगा। इस मुआहदे में आप देखेंगे कि चार पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत क्लियर हैं इस लिहाज से कि अब सिंध हुकूमत इस मुआहदे पर इंशाल्लाह अमल करेगी तो कराची की बल्दिया को बहुत बड़े रिसोर्सेज हासिल होंगे। पहली बात तो ये है कि PFC अवार्ड, उसके इनेकाद का इन्होंने ऐलान किया है कि ये बल्दियाती हुकूमत के कायम होने के 30 दिन के अंदर अंदर करेंगे और बिल्कुल वाज़े तौर पर इसमें लिखा है और उन्होंने पढ़ के सुनाया है। दूसरी बात यह है कि मोटर व्हीकल टैक्स जो तवील अरसे से कराची को नहीं मिल रहा, हमने इसमें इनसे ये मुआहदे में तय कर लिया और उन्होंने इसका कल ऐलान भी कर दिया सबके सामने कि मोटर व्हीकल टैक्स को PFC अवार्ड के ज़िम्न में मोटर व्हीकल टैक्स का जो हिस्सा है वो बल्दियाती इदारों को मिलेगा। इसी तरह से जो बहुत बड़ा एक मसला था वो यूनियन काउंसिलर और उनके वसाइल का था। हम अब भी स्टैंड करते हैं कि यूनियन कमेटियों की तादाद बढ़नी चाहिए, लेकिन फिर उसमें जो दूसरा रास्ता उन्होंने निकाला वो ये कि हम आबादी के एतबार से यूनियन कमेटियों को फंड फराहम कर देंगे और उसको भी PFC अवार्ड में जो है वो मैंशन कर दिया जाएगा। चौथी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें मालियाती एतबार से, जिस पर हमने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया कि ओक्राय ज़िला टैक्स में हिस्टोरिकल शेयर के एतबार से हिस्सा दिया जाएगा। हमने पीपल्स पार्टी को और सिंध हुकूमत को बाउंड कर लिया है बल्दियाती इदारों को मालियाती तौर पर जो है वो मदद फराहम करने और उनका हिस्सा देने के लिए। ये मदद नहीं है बल्कि हमारा हिस्सा है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन मेयर हो, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कराची का चेयरमैन मेयर हो, PFC अवार्ड हो और उस PFC में मेयर उसका पार्ट हो और मेयर जो है वो उसका हिस्सा बनते हुए अपना हक मांगेगा। और जाहिर है कि जहाँ जहाँ पर ये PFC अवार्ड होगा वहाँ वहाँ पर तमाम ज़िलों को, वहाँ की बल्दिया को इस बात का हक हासिल होगा कि वो अपना उनको जो है वो शेयर मिलेगा जिसके नतीजे में उनके यहाँ डेवलप। तो ये पूरे सिंध के लिए एक बहुत बेहतरीन निज़ाम है। पानी का जो K4 मनसूबा है जो 17 साल से मुकम्मल नहीं हुआ बल्कि अब भी आइंदा 2-3 साल में इसके मुकम्मल होने के इम्कान कम है, इसलिए कि इस पर ना विफाक कोई तवज्जो देता है ना सूबे ने दी माजी में। हमने सूबाई हुकूमत को इस मुआहदे में अलग से इसको मेंशन किया है कि सूबाई हुकूमत मुकम्मल 650 मिलियन गैलन के लिए एफर्ट्स करेगी। इसी तरह से कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने में सिंध हुकूमत मदद करेगी शहरी हुकूमत की, क्योंकि KMDC शहरी हुकूमत का इदारा है, तो इसके लिए सूबाई हुकूमत इसके लिए पूरी सपोर्ट फराहम करेगी। तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी मुआहदे में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो बहुत अहम हैं।